अगर मैं आपसे कहूं कि वी आर इन द एरा ऑफ MCQ, हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस, तो आप जरूर मेरी बात से सहमत होंगे। सो आज मैं आपको बताऊंगा 10 प्रो टिप्स टू चीट MCQ। ठीक सुना, MCQ को चीट करने के लिए प्रो टिप्स। पहला टिप, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बट नॉट द ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इट इज द ऑप्शंस दैट यू रीड एंड गेट कंफ्यूज्ड। तो क्वेश्चन रीड करिए, हो सके ट्वाइस रीड कर लीजिए और आंसर पहले अपने आप से ही निकाल लीजिए और फिर ऑप्शंस में से आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। टिप नंबर 2, चेक द यूनिट्स, चेक द डायमेंशंस इन केस ऑफ मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि डायमेंशंस या यूनिट्स अक्सर ऑप्शंस में गलत दी होती हैं, और अगर ग्रामर का है, इंग्लिश का है, तो उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने की चांसेस ज्यादा है। तो जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। टिप नंबर 3, एलिमिनेट द ऑड और ऑफसेट वैल्यूज। अगर कुछ वैल्यूज दी हैं आपको और आपको लगता है कि इनमें से एक वैल्यू क्या है कहीं भी मैच नहीं कर रही है, एग्जाम्पल दूं, एप्पल, गवावा, कैट, मैंगो, तो ऑफसेट वैल्यू क्या है? कैट, यस, क्योंकि फ्रूट्स के बीच में एक एनिमल आ गया, तो ऑफसेट वैल्यू को आप एलिमिनेट कर दीजिए ताकि आपके पास ऑप्शन सब कम बचे, तो आपके आंसर राइट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। टिप नंबर 4, जो लॉन्ग टेल्ड एक्सप्लेनेशंस ऑप्शंस में लिखे होते हैं, अर्थात जिन एक्सप्लेनेशन को बहुत डिटेल में लिखा गया है ऑप्शंस में, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वही आपका राइट आंसर होगा। तो MCQ करते समय देखिए कि किस आंसर को बहुत डिटेल में, किस ऑप्शन में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है ना प्रो टिप। नेक्स्ट टिप नंबर 5, आपको देखना है कि क्वेश्चन कहीं ट्रू और फॉल्स वाला तो नहीं है, यस और नो वाला तो नहीं है। ट्रू फॉल्स में ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यस नो में यस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव अगर क्वेश्चंस में दिया हो तो इनके भी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, ये आपको गेस वर्क करना है, इंटेलिजेंटली एंड साइंटिफिकली प्रूवन ये मेथड है। टिप नंबर 6, तो अब दो ऑप्शंस अगर आपके पास ऐसे हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं, एक जैसे दिखते हैं, यस, टू ऑप्शंस विच लुक सिमिलर और साउंड सिमिलर आर यूजुअली यस द आंसर। तो आपको अब इन दो में से ही क्या करना है, अपना आंसर सेलेक्ट करना है। एग्जांपल दूं, आपका ऑप्शन ए लिखा हुआ है 41212, ऑप्शन बी लिखा हुआ है 7508, और ऑप्शन सी लिखा है 4122। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए और सी सिमिलर साउंड कर रहा है, तो यस, जो सिमिलर साउंड करे, सिमिलर दिखे, आपके आंसर यूजुअली इन दोनों में से ही कोई एक होंगे। अब आपको क्या करना है, इंटेलिजेंट स्टडी कर गेस करना है। नेक्स्ट टिप, नेवर फॉलो एनी पैटर्न और सीक्वेंस। क्या एग्जामिनर्स आपको किसी भी पैटर्न में आंसर नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर इज वेरी यस वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ए ए ए ए ए या ए बी तो सी और अगला आंसर डी ही होगा, ऐसा कोई भी पैटर्न किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि कैलकुलेशंस आपको शो नहीं करने हैं, इसकी वर्किंग के लिए आप वरीड मत होइए, और शॉर्टकट में या शॉर्ट लैंग्वेज में जो आपको समझ में आती है आप उस लैंग्वेज में अपनी वर्किंग करिए, आप अपना आंसर्स ऑप्शन में उसके बाद खोजिए। टिप नंबर 9, पुट द ऑप्शंस इन द आंसर्स एंड फाइंड वेदर द आंसर इज ट्रू। ऐसा तब करिएगा जब आपको क्लू न समझ में आ रहा हो कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें बहुत डिटेल्ड पॉइंट आ रहे हैं, तब आप पहले ऑप्शंस को पढ़ करके उसके अंदर पुट करके भी चेक कर सकते हैं। टिप नंबर 10, अगर नेगेटिव मार्क्स ना हो
तो कोई भी क्वेश्चन लीव मत करिएगा, बिकॉज लीव करने का मतलब है यू आर गोइंग टू स्कोर जीरो फॉर दैट. तो इट्स बेटर यू ट्राई योर लक. हाँ, ट्राई योर लक की जैसे ही बात आती है तो जय माता दी उस क्वेश्चन पे लगाइएगा. जय माता दी उस क्वेश्चन पे लगाइएगा जिस क्वेश्चन में ऑप्शन आपको एकदम नहीं आता है, आपको उस क्वेश्चन का कोई हवा नहीं लग रही है, तो आप क्या करिए, ऑप्शन बी या सी, क्योंकि प्रोबेबली बी एंड सी आर मोस्ट ऑब्वियस चॉइसेस. इनमें से किसी एक को आप यस जय माता दी कर लगा सकते हैं. एंड फाइनली द लास्ट एडिशनल टिप फ्रॉम माय साइड, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस फॉर द एमसीक्यूज. क्योंकि एमसीक्यूज एक बार पढ़े होंगे तो आपके माइंड में रहेंगे, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि ईच मिनट यू लूज, यू आर लूजिंग योर टाइम फॉर अटेम्प्टिंग द राइट आंसर्स. तो इसी विश्वास के साथ आपने फर्स्ट वीडियो भी मेरा एमसीक्यू पे बना हुआ जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने डिस्कस किया है एमसीक्यू क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. और आज का वीडियो सिर्फ अपने पास मत रखिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी शेयर करिए जो आपकी तरह ही एमसीक्यू पेपर्स अब इस साल अटेम्प्ट करने वाले हैं. एंड क्लास टेंथ, यस क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन चांस है. एवरीडे 7 PM को मैं लाता हूँ आपके लिए हर चैप्टर्स में से वन बाय वन एमसीक्यू क्वेश्चन लाइव डिस्कशन विथ यू एंड मी. सो सी यू एंड मीट यू एवरीडे लाइव एट 7 PM. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन इट. थैंक यू, बाय.